नमस्कार दोस्तों दोस्तों सिविल सर्विसेज की ये जो जर्नी है लेंथी है, ये यात्रा आपसे पेशेंस एक्सपेक्ट करती है, और इस यात्रा के दौरान बहुत बार डिफिकल्टीज भी काफ़ी आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो ये यात्रा और भी ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी समय आता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हो, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी समय आता है कि आप लो फील करते हो। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती हैं, जो आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के बजाय घटा देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए आज हम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेंटल टफनेस टेक्निक को डिस्कस करेंगे। 1985 के आसपास की ये बात है, दो दोस्त जो एंड सिमोन पेरू के एंडीज माउंटेन्स में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। बहुत ही ठंड का माहौल था और टेरेन भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन दो दोस्त जो और सिमोन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, अच्छे से ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच एक हादसा हो जाता है, जो सिम्पसन एक हिमदरार में गिर जाते हैं, हिमदरार जिसे क्रेवास कहा जाता है, इस हिमदरार में गिर जाते हैं जो सिम्पसन, और इतना नीचे गिर जाते हैं कि उनके फ्रेंड सिमोन उन्हें देख भी नहीं पाते। काफ़ी मशक्कत करने के बाद, काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद, काफ़ी सोचने समझने के बाद सिमोन को ये लगता है कि शायद अब उनके दोस्त जो सिम्पसन की अब डेथ हो चुकी है। काफ़ी दुखी मन से सिमोन रस्सी काट देते हैं, ये एज्यूम करके कि उनकी दोस्त की अब मृत्यु हो चुकी है। वो बेस की तरफ लौटते हैं और ज़्यादा हेल्प लाने के लिए, ताकि उनके दोस्त जो सिम्पसन की बॉडी को नीचे से रिट्रीव किया जा सके। आप देखो उस समय हुआ क्या था, एक्चुअल में जो सिम्पसन की डेथ नहीं हुई थी, उनकी एक टांग टूट गई थी और दर्द की वजह से वो बेहोश हो गए थे, और कुछ ही समय बाद होश में आए जो सिम्पसन। अब मैं कुछ लाइंस बोलता हूँ, ये उन्हीं की जुबानी है जो सिम्पसन की। उन्होंने एक किताब में लिखा है, जब मैं नींद से जागा तो मेरे सामने कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी, और जिस हिसाब से लेग में पेन हो रहा था, मुझे समझ में आ गया था कि मेरा बचना असंभव है, क्योंकि पास्ट में रेयरली ऐसा केस सामने आया हो किसी की टांग टूटी हो, वो हिमदरार में गिरा हो और वो बच गया हो। लेकिन एक चीज जो बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं इंतजार करते करते नहीं मरना चाहता था, मैं चाहता था एटलीस्ट कुछ एफर्ट्स लगाऊं, एफर्ट लगाते लगाते मेरी मृत्यु होती है तो मुझे ज्यादा खुशी हो गई। तो जो सिम्पसन ने ठाना कि एटलीस्ट मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, और एफर्ट्स लगाते लगाते जो कुछ भी मुझे होता है वो मेरी डेस्टिनी है। यहां पर अब आप ध्यान दीजिएगा, जो सिम्पसन ने अपनी यात्रा स्टार्ट की, उनकी यात्रा बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, उनकी एक टांग टूटी हुई थी, दर्द भी उनको बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने मोटिवेटेड रहने के लिए एक टेक्निक अपनाई। उन्होंने क्या किया, 20 मिनट का एक टाइमर सेट करना स्टार्ट कर दिया, 20 मिनट का टाइमर। उन्होंने तय कर लिया कि मुझे ए डिस्टेंस से 20 डिस्टेंस तक जाना है 20 मिनट के अंदर अंदर। अब देखो उन्होंने इस प्रकार से छोटी छोटी बैटल्स को लड़ना स्टार्ट किया, तो मोटिवेशन उनके अंदर मेंटेन रहने लगा। बी के बाद सी पॉइंट 20 मिनट में, सी के बाद डी पॉइंट 20 मिनट में, डी के बाद ई पॉइंट 20 मिनट में, इस प्रकार से वो 20 मिनट का टाइमर लगाते और लक्ष्य रखते एक छोटे से डिस्टेंस को अचीव करना है। ये छोटी छोटी बैटल्स भी जो सिम्पसन के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी, क्योंकि एक्चुअल में जो सिम्पसन चल तो सकते ही नहीं थे, वो रेंग रहे थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने टाइमर सेट किया लेकिन दर्द के मारे उनको नींद आ गई, बाद में उनको एहसास हुआ, उन्होंने फिर से टाइमर सेट किया, लेकिन वो टाइमर सेट करते रहे 20 मिनट का 20 मिनट का, और छोटा छोटा लक्ष्य रखते रहे, उन्होंने बड़े लक्ष्य पर फोकस नहीं किया। अगर बड़े लक्ष्य पर वो फोकस करते तो शायद वो लो फील करते, उनको लगता क्या इतनी दूर मैं पहुंच पाऊंगा, वो भी टूटी टांग के साथ। इसी वजह से उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने और स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। इसकी सहायता से वो मोटिवेटेड रहे और ट्राई करने का जज्बा जिंदा रहे। लिटरली जो सिम्पसन अपनी किताब में कहते हैं कि मैं 60 आवर्स तक मैं रेंगता रहा, तब जाके मुझे हेल्प अवेलेबल हुई और मुझे बचा लिया गया। जो सिम्पसन का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन
उनके अंदर ट्राई करने का, छोटी छोटी बैटल्स जीतने का ये जज्बा ही था जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। इस स्टोरी से दोस्तों हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। आप भी कभी डीमोटिवेटेड महसूस करें, लो फील करें, आप एक बार एक समय के लिए बड़े लक्ष्य को भूल जाइए। आप एक दिन के लक्ष्य को फोकस कीजिए, मुझे पॉलिटी के इतने चैप्टर्स करने हैं, मुझे ज्योग्राफी के इतने चैप्टर्स करने हैं, और लास्ट में देखिए क्या आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया या फिर नहीं किया। आप अपने दिन को जीतने की कोशिश कीजिए, आप अपने दिन को सफल बनाएं। ऐसा करके आपकी यात्रा कितनी भी लेंथी हो, कितनी भी डिफिकल्टीज आए आपकी यात्रा के दौरान, आप अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकते हो। याद रखिए हमेशा एक बात, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता।